धनबाद सदर अस्पताल में एमटीसी वार्ड का आज विधिवत उद्घाटन हुआ है। धनबाद विधायक राज सिन्हा ने दीप प्रज्वलित कर विधिवत उद्घाटन किया है। साथ में नोडल पदाधिकारी डॉक्टर राजकुमार, सिविल सर्जन डॉक्टर चंद्र बाडू प्रतापन और स्टेट से जो एमटीसी की देखरेख करते हैं सुजीत जी, वो भी यहाँ पर मौजूद थे। यहाँ पर आज उद्घाटन हुआ है। यहाँ बता दें कि बहुत प्रतीक्षित ये वार्ड था, मतलब कुपोषित केंद्र के लिए ये वार्ड प्रतीक्षा में था और कई दिनों से उद्घाटन नहीं हुआ था। कारण बहुत तरह की थी, फंड का ना होना, साथ ही दवाओं की उपलब्धता को लेकर भी तरह तरह की बातें सामने थी। तमाम तरह की जो सामने बातें आ रही थी सभी को दूर करते हुए आज इसका विधिवत उद्घाटन किया गया। अभी डॉक्टर राजकुमार हमारे साथ मौजूद है नोडल, हम उनसे जाते हैं। सर आज इसका उद्घाटन विधिवत हो गया, अब से इसकी शुरुआत हो जाएगी। आज से इसके उद्घाटन माननीय विधायक राज सिन्हा जी के द्वारा कर दिया गया है और आज से ही हम लोग स्टार्ट किए हैं और बच्चे भी हमारे पास कम से कम 10 रुपये का एडमिशन भी हो गया और जो भी यहाँ पे स्टाफ ट्रेंड स्टाफ हैं हमारे स्टेट से भी आए हैं वो लोग सब ट्रेनिंग देने के बाद ही हम लोग आज से ही शुभारम्भ करें। यहाँ पर सर किस प्रकार के बच्चे और कितने एज के बच्चे को रहना है? देखिए कुपोषित बच्चे हैं जो मतलब उनका एज जैसे पर्टिकुलर मतलब हम लोग कभी कभी क्या होता है कि जैसे जन्म होता है बच्चे का उस समय देखिएगा कि बच्चा कुपोषण पैदा हुआ तो उस बच्चों को हम लोग एक इन लोगों का फीड होता है, डाइट होता है, वो सारा डाइट हम लोग और फीड वगैरह देंगे और डे टू डे हम लोग बच्चे का वेट भी करते रहेंगे ताकि वो मतलब बच्चा अपने जो जो टारगेट है उस वेट तक पहुंच जाता है, उसके बाद हम लोग छोड़ देते हैं। तो हर 15-16 दिन के बाद हम लोग उसको रिव्यू भी करते हैं। यहाँ पर सर किचन उद्घाटन आज किया है, उसमें किस प्रकार की सामान रहने की क्या व्यवस्था है? देखिए जो पोषित बच्चे हैं इन लोगों का जो जो भी डाइट है वो एकदम अलग है, ठीक है। वो डाइट अब मतलब बनाया जाता है और बनाने के बाद यहाँ पे जो भी स्टाफ है उनको ट्रेन करके जो भी हमारी एनएम ऑन ड्यूटी रहेंगे वो बच्चों को टाइम टू टाइम मतलब वो बनाकर खुद से ही देना है। सर अगर हम बात करें तो जिले में कुपोषित बच्चों की संख्या कितनी है अगर आज के दिन देखा जाए तो? देखिए एग्जैक्टली कितना है पूरे जिले में ये तो अभी आंकड़ा हमको मिलेगा, हम लेते हैं तो, लेकिन हमारे यहाँ जैसे जो अभी जिला में 3 जगह एमटीसी स्टार्ट हुए तो यहाँ पे स्टार्ट 4 जगह हुए। एक यहाँ स्टार्ट होने के बाद जैसे पहले गोविंदपुर में मैंने गोविंदपुर में भी देखा करके वहाँ भी 10-12 बच्चे थे। सुन्नी में आपका एमटीसी चल रहा है, उसके बाद तो चाची में एमटीसी चल रहा है और हर जगह बच्चे हैं। किस प्रकार की सावधानियां बरतनी है सर कुपोषित बच्चों को लेकर अगर देखा जाए? देखिए कुपोषित बच्चे हैं पहले तो एक तो ऑलरेडी कुपोषित है तो इनको डाइट पर हम लोग पूरा ध्यान देंगे। डाइट के अलावा इन लोगों का जो प्ले थेरेपी होता है खेलने के लिए सारा सामान वगैरह सब रखा गया और साथ में ध्यान दिया जाए मतलब 24/7 यहाँ पे स्टाफ को डिप्यूट किया जाता है कि बच्चे को हर तरीके से खाना मिले और किसी भी चीज़ की जरूरत हो मेंटल थेरेपी उसके लिए भी हम लोगों से या फिजियोथेरेपी मतलब सब चीज़ यहाँ पे अवेलेबल। कितने दिनों तक बच्चों को रखना है? देखिए जब तक कोई अपना जो टारगेट हम लोग का अचीव नहीं हम लोग कर लेते हैं जब तक बच्चा स्वस्थ नहीं होगा तब तक। आमतौर पर कितने दिनों में बच्चा स्वस्थ हो जाए? जो आप लोग यहाँ मेडिकेशन देंगे डाइटेशन देंगे उसके बाद कम से कम हम लोग एक महीना के लिए 15 दिन से लेकर एक महीना तक। आज से इसकी शुरुआत कर दी गई है मतलब बच्चे भी एडमिट हो गए हैं, फंड वगैरह को लेकर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं? अभी तो फंड अभी हमारे स्टेट से अभी फंड आया है, जैसे हमारे जो डीपीएम देख रहा है तो बताया कि सरकार ने फंड आया है और फंड को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने स्टार्ट किया। तो ये डॉक्टर राजकुमार थे जो कि नोडल है सदर अस्पताल का, इन्होंने कहा कि आवाज से इसकी शुरुआत कर दी गई है, फंड को लेकर भी किसी प्रकार की समस्या नहीं है और बच्चे को तमाम तरह की थेरेपी दी जाएगी ताकि जो बच्चे कुपोषित के शिकार हुए हैं वो फिर से अपने तो मूल रूप में आ सके। यहाँ पर अगर हम बात करें तो राज्य के कोऑर्डिनेटर हैं सुजीत जी जो कि कुपोषण केंद्र को देखते हैं। सुजीत जी अब बताइए अभी कुपोषण केंद्र की क्या स्थिति है वर्तमान में राज्य में? देखिए राज्य में आपका धनबाद में जो है यहाँ पर 4 कुपोषण उपचार केंद्र हैं और हर एक जिले में 4 से 5 कुपोषण उपचार केंद्र हैं और यहाँ पर वो बच्चे एडमिट होते हैं जो अति गंभीर कुपोषित हैं। मैंने कुपोषण का भी कैटेगरिया है, मैंने कुपोषण, मध्यम कुपोषण और अति गंभीर कुपोषण। तो जो यहाँ एडमिट होंगे बच्चे वो अति गंभीर होंगे, मैंने इसके बाद बच्चे का इलाज जो यदि वो जो अति गंभीर कुपोषित बच्चे होंगे उसको समुदाय स्तर पर उसको हम लोग देखभाल नहीं कर सकते, उसको फैसिलिटी में लाना होगा। फैसिलिटी में जो बच्चे आते हैं उनका इलाज होगा और ऐसे बच्चे फैसिलिटी में आएंगे तो उनका एडमिशन से लेकर जब तक उनका 15% वेट गेन और उनका इन्फेक्शन लेवल और अदर्स जो कम्प्लीट ठीक नहीं हो जाए तब तक यहाँ पर इनका इलाज चलेगा। यहाँ पर न्यूट्रिशन रिलेटेड भी है, मतलब कि उसका जो ऐसे बच्चे होते हैं वो इन्फेक्टेड होते हैं तो उनका इन्फेक्शन का भी इलाज होता है प्लस उनका पोषणात्मक उपचार भी होता है। पोषणात्मक उपचार में उनका पोषण
एच फोर उनका वजन के अनुसार क्या रिक्वायरमेंट है वो दिया जाता है। कितना वजन होना चाहिए आमतौर पर? नहीं, सबका एच अलग अलग है। यहाँ पर 0 से लेकर 5 साल तक के बच्चे एडमिट होते हैं, कैटेगरी है। यहाँ 5 साल के बच्चे जो उसके लिए स्टैंडर्ड डिविएशन जो उसके लिए जो इस एडमिशन के लिए जो कैटेगरिया बना हुआ है वो 3-4 कैटेगरिया एज पर प्रोटोकॉल वो बच्चे एडमिशन यहाँ होंगे। उसके लिए मेजर होता है, आइडेंटिफिकेशन होता है कि बच्चे कैसे हैं, तभी यहाँ एडमिशन होंगे। कम्युनिटी से सहिया और आशा सहिया और आपका आंगनवाड़ी वर्कर जो है या एनएम दीदी है वो रेफर करती है यहाँ बच्चे को, और उन बच्चे का यहाँ पर उनको फिर यहाँ पर मेजर किया जाता है और तब उस बच्चे को यहाँ एडमिशन किया। क्योंकि आप झारखंड को पूरा लीड कर रहे हैं, झारखंड को देख रहे हैं, तो अभी वर्तमान स्थिति की अगर हम बात करें तो क्या स्थिति है मौजूदा स्थिति? देखिए, झारखंड में तो कुपोषण का दर बहुत अधिक है, उस पर कोई शक नहीं है कि अभी झारखंड जो है सबसे वर्णित इशू है कुपोषण का। उसमें झारखंड में ऐसे बच्चे का इलाज अभी वर्तमान में अभी हम लोग का 97 कुपोषण उपचार केंद्र यहाँ पर है पूरा राज्य में, जहाँ पर अति गंभीर कुपोषित बच्चों का इलाज किया जाता है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो फंड को लेकर किस प्रकार की कोई फंड नहीं, जो भी कुपोषण उपचार केंद्र जो खुला है वो NHM नेशनल हेल्थ मिशन के फंड से ही सब जगह ऑपरेशन होता है, और फंड का कोई दिक्कत नहीं था। पहले MDC ऑपरेशनल था, फंड फिर यहाँ पर अपना ट्रांसफर हो गया। तो अभी मतलब कितना फंड मिला है यहाँ? नहीं, फंड के बारे में तो सिविल सर्जन के पास आता है स्टेट से, उसके बारे में अभी आपको डिटेल पूरा डिटेल नहीं बता पाएंगे। मतलब फंड की कोई समस्या नहीं होगी, और ये जो संचालित हो रहे हैं पूरी तरह संचालित है। तो ये सुजीत जी थे, इन्होंने स्पष्ट बताया कि अब आज से ये केंद्र की शुरुआत हुई है। धनबाद जिले में कुल 4 केंद्र है, साथ ही झारखंड में अलग अलग जगह पर केंद्र खुल गए हैं। सब जगह कुपोषित बच्चों का इलाज किया जाता है, और फंड की जहां तक बात है, फंड की किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है और ना ही भविष्य में ऐसी कोई समस्या होने की उम्मीद है। तो जिस तरह से कुपोषित बच्चों को लेकर केंद्र की शुरुआत आज सदर अस्पताल में की गई है, ऐसे में यह उम्मीद जताया जा सकता है कि आने वाले समय में कुपोषण को जड़ से मिटाने को लेकर पहल स्वास्थ्य विभाग द्वारा शुरू कर दी गई है। कैमरामैन संजय के साथ धीरेन्द्र, मेरा धन्यवाद।